गाइस, और अभी मैं खाकर खाना खाकर पूरा एकदम वाईफाई लेकर अभी वीडियो अपलोड दे रही हूँ। आप लोगों को शायद वीडियो मिल गई होगा। और मॉर्निंग टाइम क्लास करने जाने पर कल है कि क्लास होगा, और कुछ कल से काम है। फ्रेंड के साथ आप लोगों को भी मीट कराए देंगे, आप लोगों को मीटअप होगी मेरी फ्रेंड के साथ। कौन कौन मेरा फ्रेंड है वो मेरे कैमरा में आने के लिए वो चाहेगी या नहीं चाहेगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आने के लिए कोशिश जरूर करूँगी। और मेरा जो भी फ्रेंड है, मेरा प्राइम मिनिमम फ्रेंड मुस्लिम है, कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड जो भी हो जाए मेरा फ्रेंड। और अभी यहाँ पे वाईफाई लगा कर, हम लोगों का वाईफाई यहाँ पर है, आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ मेरा वाईफाई कहाँ पर लगा कर रखा है। जो ये रूम का रेंट, हम रेंट में रखा, यहाँ पर रेंट में रुका हूँ, लेकिन ये रूम का मालिक ने ना, ऑनर ने यहाँ पर जो गज़ल मारने के लिए बंद कर दिया है, इसकी वजह से हम लोगों ने यही कोशिश किया है। ये देखो हम लोगों का वाईफाई कहाँ पर लगा के रखा है। और मैंने एकदम मिनिमम 22 सेकंड में मेरा वीडियो, 10 मिनट का वीडियो अपलोड कंप्लीट हो गई है। और अभी आप लोगों को ना मैं एक बार बता देती हूँ, मैं तो एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में, बीएससी करूँगी। मैंने तो सिंपल बीए करके रखा था फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अभी जो मैंने बीएससी करने के लिए जा रही हूँ ना, वो मैं कर पाऊँगी कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं करूँगी तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये अगर बीएससी का जो अभी मैंने एडमिशन लिया, इसको मैं छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होगा तो क्या होगा मुझे पता नहीं। लेकिन ये मैं 4 ईयर्स कंप्लीट कर लूँगी तो मेरा पूरा एकदम टाइम मैनेजमेंट मैं सीख जाऊँगी, कोई भी काम करने के लिए मैं सीख जाऊँगी। गाइस, कभी भी आप लोग विटामिन ई का टेबलेट स्किन में नहीं लगाना, मुझे लगा कर मेरा हालत बिगड़ गई है, मेरा इतना काला काला डब्बा हो गई है, बड़े बड़े यहाँ पर हो गई है गट्टा, क्योंकि मैंने विटामिन ई टेबलेट लगाया। किंतु ब्राइटनेस बहुत खूबसूरत तरीके से आती है, लेकिन किसी को पिंपल बहुत ज़्यादा आ जाती है। मेरा फोरहेड में यहाँ पे बहुत खराब हो गई थी। और गाइस अभी नींद आ रही है, आप लोगों को मिलूंगी मॉर्निंग के टाइम कॉलेज में जाकर। लेट्स गो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, या नहीं जा रही हूँ अभी कॉलेज, और अभी हम लोग जा रहे हो मेरी फील्ड की तरफ, और क्योंकि मेरी किचन वगैरह है, पूरा सामान वगैरह मैंने ठीक कर लिया हुआ अभी यहाँ पे टूल्स वगैरह, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है। अरे जा रहे गोविंद के रूम में, थोड़ा जाकर गोविंद के पास बैठकर गोविंद को बोल के जाऊँगी मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ गोविंद को बोल के जाऊँगी मैं जा रही हूँ जो गौ माता के वहाँ के लिए। और वो सभी लोग अभी दर्शन कीजिए, सभी लोग सो रहे हैं। हेलो। और गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई ओनर के घर में, और ये ओनर मुझे बता रही थी, ओनर ने बताया कि गाय को थोड़ा दूर में रखा हूँ, मैं उनको लेकर आऊँ। ये देखो अभी गाय को लेने के लिए गई है, और अभी ये महिला, ये ओनर है, उन्होंने बता रही है मेरे को, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाना है उसको गिर इंजेक्शन लगाने के लिए दिया है या साहिवल लगाने के लिए दिया है, लेकिन गाय बच्चा जो होगा ना वो ब्राउन होना सही है, क्योंकि उन लोगों के घर में जितना भी गाय माता है वो सभी गाय व्हाइट कलर का है, इसकी वजह से उन लोगों को ब्राउन कलर जो काउ काल्फी सही है, गाय माता का बच्चा ब्राउन कलर होना जरूरी है, रंगा होने हम लोग इसमें रंगा बोलती हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने मेरा टूल्स वगैरह पूरा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, ये फास्ट प्रायोरिटी है। और थोड़ा ओनर ने हम लोग काम होने के बाद, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डन होने के बाद, ओनर ने हम लोग को थोड़ा बैठने के लिए दिया, खाने के लिए दिया थोड़ा अच्छा ही। और यहाँ पे मैंने जा रही हूँ लेने के लिए, रास्ते में मेरा स्कूटी में है पानी का बटल, और उसको लेने के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे थोड़ा साई पीकर मुझे जाना पड़ेगा मेरा रूम, क्योंकि गोपाल सो रही है, पता नहीं और कहाँ से कहाँ कल 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 करते रहेगी, मुझे पता नहीं, इतना ज़्यादा गर्मी भी है। और गाइस फाइनली हम लोग काम कंप्लीट करके साई वाई पीकर हम लोग निकल पड़िए हमारा थोड़ा डेस्टिनी में, मेरा घर में, मेरा रूम। और वीडियो को कैसा लगा आप लोगों को इस कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी हो मैं रूम में जाकर आप लोगों को मिलूँगी।
और मेरे रूम में थोड़ा गोपाल का कपड़ा धोना है उसकी वजह से। और आज तो कॉलेज नहीं गई, वो मेरा फ्रेंड ने कॉल कर रही है तुम कब आओगे कब आओगे, लेकिन मैंने उनको बोला कि थोड़ा देर के बाद जाऊँगी। और गाइस मैंने आप लोगों को बताई थी मैं रूम चली गई थी, रूम जाने के बाद गोपाल को भूख लगाने के बाद मुझे जल्दी जल्दी कॉल आया कि ये जो गॉड दिख रही है आप लोगों को इसको ना देखो कितना ज़्यादा बाहर जो ये पुश कर रही है बच्चा निकलने के लिए, ये प्रेग्नेंट था उसका बच्चा, उसको ना काल पांच कुत्ता एक साथ ही पांच कुत्ते एक साथ ही काट लिया था। काटने के बाद उसका ना जो अभी डिलीवरी टाइम नहीं हुआ था, लेकिन डिलीवरी जो अभी खुद ही वो बच्चा निकल रही है अंडर से, क्योंकि बच्चा अंडर मर गई थी। और ऐसे उसके बाद उन्होंने हम लोगों को थोड़ा सही खाने के लिए भी थोड़ा टाइम यहाँ पर रुकना है, थोड़ा नहीं बहुत ही टाइम रुकना है। हे गाइस अभी इवनिंग का टाइम, क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, आज दिन बहुत ही हेक्टिक रहा था, बहुत ही हेक्टिक दिन रहा। और मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी आज मेरा एक एक्सपीरियंस है। कल एक मैंने मॉर्निंग टाइम गई थी फिल की तरफ कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए, मैंने आप लोगों को बताई थी कॉलेज जाऊँगी, लेकिन कॉलेज नहीं जा पाई क्योंकि मेरा कॉलेज से मेरा फिल का इमरजेंसी था, इसकी वजह से थोड़ा इम्पोर्टेंट है मेरा फिल। उसके बाद कॉलेज जो मैंने एआई करने के बाद मैं चली आई मेरा रूम, मैंने गोपाल को भूख वगैरह लगा दिया। लगाने के बाद मेरा एक कॉल आया, इमरजेंसी कॉल, जहाँ पर मुझे जल्दी जल्दी बुलाया क्योंकि बोला है उन्होंने जो गॉट है उसका बच्चा निकालने के लिए जल्दी जल्दी आ जाइए अब हम लोग रुक रही हूँ, ऐसा बोला। उसको मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उस टाइम में, उन्होंने आप जल्दी जल्दी आए हम लोग रुक रही हो ऐसे बोल के मेरा कॉल काट दिया था। उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया दोबारा, कहाँ है कहाँ से बात कर रही है, उन्होंने बोला कि हम लोग अमुक अमुक प्लेस से बात कर रहे हो। उसके बाद मैंने गई, मुझे लगा कि बच्चा जो है बच्चेदानी से निकाल कर वो बाहर आकर शायद फंस रही है, इसकी वजह से मुझे इतना जल्दी बुलाया है। मैंने गई वहाँ पर देख कर लगा मुझे, मैंने देखा जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जिस अनर के घर में गई थी उसका क्या हुआ है मैं आप लोग बताऊँ। जिस अनर के घर हम लोग गई थी उसका घर में जो गॉट है वो पहले से ब्लड आ रही है, लेकिन बच्चा दाने से बच्चा नहीं निकल रही है लेकिन ब्लड आ रही है। और मैंने देखा, देखने के बाद मैंने फिंगर यूज़ किया, फिंगर यूज़ करने के बाद मिनिमम जो बच्चा है वो अंदर मर गई है, लेकिन जो बच्चेदानी निकालने का जो रास्ता होती है जो वे है वो बंद हो रही है। बच्चा यहाँ पर पूरे तरीके से पूरा मान क्लियर हो गई थी उसका जो क्या होती, और गॉड का जो पीरियड होती है 4 मंथ से 5 मंथ के तक जो बच्चा पैदा होने वाली थी ये मिनिमम 5 मंथ की अंडर जाने वाली थी, मिनिमम 4 मंथ 20 डेज हो गई थी शायद, बच्चा बड़ी हो गई थी। और जो गॉड है मैं आप लोग दिखाऊंगी वो भी बहुत बड़ी है। उसके बाद मैंने दिखा, दिखने के बाद जो बच्चेदानी ये है बच्चेदानी ऐसे तरह जो मुँह पूरा ऑफ हो गई है, लेकिन बच्चा यहाँ पे फंस गई है, यहाँ पे बच्चा फंस गई है लेकिन यहाँ पे ये मुंह है नहीं, ये बच्चा इधर से नहीं निकल रही है और वही से खून आ रही है। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी दिखा, उन्होंने बहुत पुश कर रही है बाहर, बहुत ही बल प्रयोग कर रही है बच्चा निकलने के लिए, लेकिन बच्चा नहीं आ रही क्योंकि बच्चा अंदर में मर गई है। और मैंने सोचा मैंने क्या करूँ। उसके बाद ओनर लोगों ने थोड़ा रोने लगा, क्या होगा उसको मैंने बोला क्या हुआ था पहले, उन्होंने बोला कि वो जो गॉट है उसको कल आज है 9 तारीख अगस्त तक पास कुत्ते एक साथ गॉट को काट लिया था, काटने की वजह से अभी ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं थी उसका बच्चा भी है पेट में मर भी चुकी है, ब्लड भी खून भी निकल रही है, और उसके साथ साथ वो रेबीज का भी प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे बहुत डर लगा, मैंने पूरा हैंड ग्लव यूज़ किया, यूज़ करने के बाद रेबीज़ बहुत खतरनाक होती है इसकी वजह से, उनको मैंने बोला कि बच्चा तो मर गई है बेटर,
अंदर, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इंजेक्शन लगाऊंगी। मैं इंजेक्शन लगाया मैंने जो एक इंजेक्शन लगाया क्योंकि ये डिलीवरी खालस होने के लिए प्रेग्मा मेरे मेरे पास भी नहीं थे। मैंने भाई को जा आई रूम में था उसको मैंने मेडिसिन लेकर रतन फार्मेसी से मेडिसिन लेकर उसको जाने के लिए दिया मेरे फील्ड की तरफ। उसने गई कहने के बाद मैंने इंजेक्शन लगाने के बाद मिनिमम 2 घंटे के बाद वो बच्चादानी खुल गई जहाँ पर फंस गई थी। जो वो बच्चेदानी का जो बच्चा निकालने के जो रास्ता है वो खुल गई है। खुलने के बाद क्या हुआ मैंने अच्छे तरीके बहुत ही मेरा ये वाला हाथ ना बहुत पेन हो रही थी। अभी तक पेन है, पेनलेस अभी भी नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा पेन हो रही है। ये फिंगर मेरा जो ये फिंगर भी इतना ज़्यादा दुख दुख हो रही है, बहुत पेन हो रही है। हाँ मैंने अकेले निकाला क्योंकि लड़का का हाथ में ना ये हाथ निकाल मेरा बहुत छोटा सा हाथ है, ये स्मॉल तरीका से मुझे घुसाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लड़का लोगों का बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से बच्चा को निकाल कर दोनों बच्चा को मैंने निकाल दिया। और उसको क्या हुआ है एक साइड पूरा एक साइड एकदम बच्चा अंदर घुस गई है। मैंने उनको दोबारा मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम आ जाती है। यूट्यूब ने रेस्ट्रिक्शन का रेस्ट्रिक्शन दे देती है, फॉलो करना ज़रूरी है इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। और उसके बाद मैंने बच्चा दोनों को निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने इंजेक्शन वगैरह विटामिन वगैरह एंटीबायोटिक वगैरह सब लगा कर चली आई। आने के बाद गॉड ने थोड़ा रिलैक्स भी मिला थोड़ा गॉड को। लेकिन अभी मैंने कॉल किया था ओनर को, उसने बोला कि ही इज़ नो मोर, वो अभी मर गई है, अभी अभी वो मर चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा। मैंने पेन किलर वगैरह चौक ले कर आई थी और हो जाती है ये नसीब जब बुरा टाइम आती है ना एक साथ ही आती है। और कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा अफसोस लग रही है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कोशिश किया बचाने के लिए लेकिन बचा नहीं पाया क्योंकि ओनर लोगों ने कल ही ये कोशिश करना, कल मर गई थी जब कुत्ते ने उसको 5 कुत्ते ने एक साथ ही काट लिया था। उस टाइम में वो ओनर को सोचना चाहिए था कि ये कुछ होगा कि प्रॉब्लम, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाया इसकी वजह से। और जो भी हो वीडियो को कैसे लगा, वीडियो को अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। कभी कभी बुरा लगती है जब मैंने बहुत मेरा ना मैं बहुत बहुत टाइम कोशिश किया बाहर से निकलने के लिए। मिनिमम मैंने 7 घंटे के बाद मैंने सक्सेस हो गई थी बाहर से निकलने के लिए। और अभी रिजल्ट आया है, वो तो मर गई है, बच्चा मर गई थी। मेरे को तो पता है बच्चा मर गई, लेकिन ओनर को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो जो गोड है ना बहुत उन्होंने बहुत प्यार से रखती है। उन लोगों को बुरा लगा, उन्होंने बोला कि हम लोगों का नसीब में ही है क्योंकि वो उन लोगों का प्रॉब्लम था क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को टाइम में नहीं बुलाया इसलिए। और बादशाह तो काली मर गई थी इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लड आ रही थी। और वीडियो को अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने थोड़ा ये बात इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि जब कुत्ते या कुत्ते ने गौट को काट लेती है डिलीवरी के टाइम में, प्रेगनेंट के टाइम में, तब आप लोग प्लीज़ आप लोगों का आसपास जो डॉक्टर होती है उसके साथ कंसल्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है। और मुझे भी डर भी बहुत लगा था क्योंकि मुझे वो जाकर ही पता चला क्योंकि मैं ब्लॉक बहुत ज़्यादा लगी थी इसकी वजह से। मैं मुझे अभी थोड़ा अफसोस नहीं हो रही क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अफसोस हुई थी क्योंकि मेरे को बहुत कुछ कुछ गंदा गंदा फील आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान साथ में है तो कोई नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। और वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं काली और गाइज मैं कल या मैं कल तो जानते परसों हो जाऊँगी, कल आप लोगों को भी दिखाऊंगी मेरे दोस्तों को। लेट्स गो, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। और कल मिलूंगे न्यू ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।